का परांठा, वो भी दही और मक्खन के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। ये मैंने फ्रेश पनीर है वो ले लिया है, इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। 3 से 4 हरी मिर्च, 1 छोटा प्याज, 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, भुना हुआ जीरा मसाला डाल देंगे, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, छोटी कटी हुई शिमला मिर्च, इसका टेस्ट बहुत ही पनीर कैप्सिकम जो परांठा होता है सॉरी वो बन जाता है। इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी। आटा मैंने थोड़ी देर पहले गूंद के रख लिया था क्योंकि इससे परांठा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। जल्दी से गूंद के रखेंगे तो उससे परांठा अच्छा नहीं बनता है, तो इसकी एक लोई काटूंगी। पनीर की फिलिंग को बीच में रखूंगी। हमें तल लेना है। अब इसको गर्मा गर्म करेंगे हम दही और मक्खन के साथ साथ। दूसरा परांठा भी इसी तरह से मैं बना लूंगी, तो बहुत ही क्रिस्पी सा परांठा बन चुका है। तो दूसरा परांठा भी बनके तैयार हो चुका है, तो चलिए अब इसको दही और बटर के साथ सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी परांठे हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। बटर और दही के साथ इनका परफेक्ट मैच है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन।